9 जिलों में चल रही यूपी पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान पिछले दिन मेरठ जिले में 2 फर्जी अभ्यर्थियों को दबोचा गया था। इन अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट का मिलान बायोमेट्रिक मशीन से नहीं हुआ था। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन दोनों अभ्यर्थियों ने सॉल्वर गिरोह के माध्यम से 2-2 लाख रुपए की रकम देकर किसी अन्य व्यक्ति से अपनी लिखित परीक्षा दिलाई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई थी। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में संयुक्त जांच करते हुए क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाने की टीम ने सॉल्वर गिरोह के सरगना चंडीगढ़ निवासी जसवीर को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि एक कैंडिडेट की परीक्षा जसवीर ने खुद दी थी। जसवीर से पूछताछ के बाद उसके साथी अंकुर परविंदर और सचिन को भी गिरफ्तार करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र और आई कार्ड, 2 लग्जरी कार, 3 महंगे मोबाइल एटीएम कार्ड और 50,000 कैश बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि जसवीर अब तक पुलिस, रेलवे, एसएसपी, सेंट्रल एयरमैन, नेवी और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने सॉल्वर बिठाकर अभ्यर्थियों से 2-7 लाख तक की रकम वसूल कर दर्जनों लोगों को नौकरी पर लगवा चुका है। आरोपी के कब्जे से एक ऐसी डायरी भी बरामद हुई है जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बिठाए गए अभ्यर्थियों का लेखा जोखा और उनसे वसूल की जाने वाली रकम का हिसाब दर्ज है। उसमें 2 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए जिनके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर मैच नहीं किए। रिटन एग्जाम में जो फिंगरप्रिंट्स लगाए गए थे वो फिंगरप्रिंट्स यहाँ जब एक्चुअल कैंडिडेट ने लगाया तो उनके नहीं पाए गए, जिस आधार पर मुकदमा लिखकर 2 लोगों को जेल भेजा गया था। उसी के क्रम में क्राइम ब्रांच मेरठ की आगे लगी हुई थी और इसमें ये निकल कर सामने आया कि एक पूरा गैंग है जो इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, और ये न केवल यूपी बल्कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में पुलिस विभाग, इसके अतिरिक्त एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, कई जगहों पर भर्तियों के नाम पर इन्होंने लोगों को एग्जाम दिए, उनसे पैसे लिए हैं। इसमें इसका जो मुख्य अभियुक्त जसवीर है वो चंडीगढ़ का रहने वाला है, वही गिरफ्तार कर लिया गया है। जसवीर ने ही एक आरक्षी की परीक्षा दी थी और जो 19 तारीख को यहाँ पर उसका बायोमेट्रिक होना था उसमें यहाँ इस सेटिंग में ये लगे हुए थे कि एक खुद अपनी बायोमेट्रिक लगा ले ताकि वो पास हो जाए। वो जो कैंडिडेट था उसको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में लोगों के प्रवेश पत्र, आई कार्ड, 2 कार, एटीएम, 4 मोबाइल फोन्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। एक डायरी भी इनके पास से बरामद हुई है जिसमें काफ़ी मात्रा में लोगों के नाम और अमाउंट लिखे हुए हैं, अलग अलग सेवाओं के भी नाम लिखे हुए हैं, उसके बारे में भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया है। अभी तक फिलहाल कुल 4 अभियुक्तों को जसवीर के अतिरिक्त 3 को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 अभियुक्त हैं, जो शेष 3 गिरफ्तार हैं उसमें एक रोहतक का है और एक देहरादून का और एक हरियाणा का है। अब इन सबको न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है। सर, जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है वो किस तरीके से ये एग्जाम देते थे और अब तक ये कितने एग्जामों में बैठ चुके? जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि जो कैंडिडेट था उसे संपर्क करते थे, उसे पैसे लेकर एग्जाम पे उसी जगह बैठते थे और अपने फिंगरप्रिंट्स लगाते थे। और अभी तक कितने एग्जाम ये दे चुके हैं ये चीज़ें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। 25-30 तो सामने आ गए हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ में सामने आ गई।